आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल तरीका आपको बताऊंगी। इससे क्या होगा, अगर आप नेचुरल तरीका ट्राई करते हो अपनी ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में, तो भविष्य में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बिल्कुल नेचुरल तरीका है, बिल्कुल सेफ है आपके लिए ब्रेस्ट साइज को कैसे इंक्रीज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो नेचुरल तरीका अगर आप ट्राई करते हैं अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में, तो उससे क्या होगा, आपकी ब्रेस्ट साइज तो इंक्रीज होगी, साथ में आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और उसके साथ ही आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। भविष्य में कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जैसे बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि आपको अगर ब्रेस्ट साइज बढ़ाना है तो आपको दूध ज़्यादा पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि आपको मक्खन खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, या फिर मीट का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अगर आप मीट ज़्यादा खाओगे या अपने फूड में मीट ज़्यादा ऐड करोगे, या तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर डालते हो, बहुत ज़्यादा हैवी फूड आप खाते हो, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन करते हो और डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हो, तो डाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और धीरे धीरे करके वो कमज़ोर होने लगता है। तो इसलिए आगे चलकर आपको कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, फैटी लीवर हो सकता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगी कि आप ज़्यादा मीट खाए या आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाए, मतलब कम मात्रा में सेवन करें लेकिन कम मात्रा में करें, जिससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो क्या ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, तो वो तरीका ये है कि फ्रूट्स ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना ब्रेस्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, मसल मास गेन कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, तरीका हमें सही नहीं पता होता, उसकी वजह से हम फ्रूट्स खाते तो हैं लेकिन बेनिफिट्स हमें पूरा नहीं मिलता है। फिर हम कहते हैं अरे यार फ्रूट से कुछ नहीं होता है, फ्रूट तो बहुत ही हल्का होता है, उससे कहाँ हमारे मसल मास गेन होंगे, कहाँ ब्रेस्ट साइज बढ़ेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है। जैसे मैं आपको कुछ फ्रूट्स के नाम बता देती हूँ जिसमें एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, महिलाओं में अगर एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन रहता है, मतलब सही मात्रा में होता है, तो उनकी ब्रेस्ट साइज अच्छे से, मतलब जितनी डेवलप होनी चाहिए आपके जीन्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो महिलाओं की बॉडी या किसी भी इंसान की बॉडी अपने जीन्स पर डिपेंड करती है। जैसी बॉडी आपके माता पिता की होगी या आपके रिलेशन में होगी, वैसी बॉडी आपकी बनती चली जाएगी। वो बात अलग होती है कि आप बीमार हो गए, आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ गई, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए और उसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छी शेप में नहीं आए। किसी के दांत बड़े हो जाते हैं, किसी ब्रेस्ट ज़्यादा वीक हो जाती है, या बहुत से लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कुछ भी खा ले लेकिन उनका वेट गेन नहीं हो रहा है, वो अलग चीज़ है। वो आपने दवाइयाँ खाई या आप बीमार हो गए, वो चीज़ अलग होती है, वरना ऐसे नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसकी हार्मोन इनबैलेंस नहीं होते। तो हमें क्या करना है, कुछ बदलाव करना, अपने रूटीन में बदलाव करना, जैसे फ्रूट्स कौन से हमें लेने चाहिए या फिर कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी शेप अच्छी बन सके। मतलब जो स्ट्रक्चर हमारा खराब हो गया है बैड रूटीन की वजह से, यानी हम एक्सरसाइज सही नहीं करते हैं, उल्टा सीधा खाना पीना खा रहे, पता ही नहीं कौन सा कब क्या खाना चाहिए, तो उससे हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब होने लगता है। तो उसे सही करना है, उसे सही करना है। और उससे क्या होगा, जो आप अच्छा खाना खाओगे, आपके जो चेस्ट का मसल मास होता है वो गेन होगा, उसकी ग्रोथ होगी और उसमें उभार आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने 2 महीने कुछ खा लिया तो आपकी सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट बढ़ जाएगी, नहीं, पूरी बॉडी पर इफेक्ट आता है उस चीज़ का। लेकिन आप सही एक्सरसाइज करेंगे तो पूरी बॉडी आपकी टोन में आनी शुरू हो जाएगी, शेप में आनी शुरू हो जाएगी, पेट अंदर होगा, ब्रेस्ट साइज बाहर दिखनी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा धीरे धीरे होता है, 5-6 महीने में अगर आप सही तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं, सही अच्छा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी एकदम शेप में आ जाएगी। तो फल की बात करें तो कौन से आपको खाने चाहिए, देखिए एप्पल है, बेरीज है, जो फ्रूट होते हैं बेरीज में, कोई सी भी बेरीज आप ले सकते हैं। इसके साथ ही पपीता है, अनार है और मौसमी है, केले को आप अवॉइड कर सकते हैं, केले से फैट बढ़ता है। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले उठ के आपको फ्रूट सेवन करना है, कोई सा भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं, एक खा सकते हैं, दो खा सकते हैं। उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट में रोटी खाना चाहते हैं या परांठा खाना चाहते हैं, एक या दो ले सकते हैं, मतलब कम मात्रा में लेना है, ऐसा नहीं कि पूरा पेट भर के खाना है, इससे आपका पेट निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले फ्रूट्स का सेवन करना है। ऐसे ही दोपहर को अगर आप दोपहर का खाना खाते हैं, तो उससे पहले आपको जैसे आपने 2 एप्पल खा लिए या आपने 2 अनार खा लिए,
अपनी मर्जी से कोई सा फ्रूट आप चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा अगर खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसके बाद अगर आप खाना खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपकी एपेटाइट इंक्रीज होगी, यानी आपका जो खाना पचाने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी और उससे जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर बॉडी में मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा, इसके साथ ही आपके जो बॉडी के मसल्स है, पूरी बॉडी के मसल है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, एक दो महीने के अंदर ही आपके जो कपड़े हैं वो टाइट होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। लेकिन आपको करना क्या, सही एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी ब्रेस्ट सही शेप में उनमें उभार आए और आपका पेट भी आगे नहीं बढ़ा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ खाने पे ध्यान दिया और एक्सरसाइज नहीं की तो हो सकता है आपका पेट भी बढ़ सकता है और चीजों पे भी आपका मसल मास गेन हो सकता है। तो सही एक्सरसाइज करनी है। और डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दूध आप रात में सेवन कर सकते हैं, वो भी बिना क्रीम का। और अगर आप दिन में लेना चाहते हैं तो आप दिन में दही खाइए, और दही को भी आपको खाने से पहले खाना है और उसमें थोड़ा सा जगरी पाउडर डाला है, यानी मीठा डाल के खाना है, ना कि नमक डालना और कोई चीज़ नहीं डालनी है, थोड़ा सा मीठा डाले और खाने से पहले खाए। तो ये होगी खाने की बात, इस तरीके से आप अपने रूटीन को चेंज करें। और खाना भी हल्का फुल्का आपका होना चाहिए, स्पाइसी नहीं होना चाहिए। तो कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, सही तरीका खाना खा रहे हैं और उसके साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो जब आपकी ब्रेस्ट साइज बढ़नी शुरू होगी तो सही शेप में बढ़े, आपकी जो बॉडी की शेप है वो एकदम सही से आए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि पेट भी निकल रहा है आपका, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज आप पेट पतला करने के लिए करते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज जो आपने डेली रूटीन में शामिल की उसके साथ इन एक्सरसाइज को ऐड करना, ऐसे नहीं कि आप सारी एक्सरसाइज छोड़ दें बस इन्हीं को करने लग जाए, मतलब और भी जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं या योगा करते हैं तो उन्हीं के साथ इन एक्सरसाइज को ऐड करना है। तो पहली एक्सरसाइज है, इस तरीके से अपने हाथों को उठाएंगे, मतलब जहाँ पे आपकी ब्रेस्ट है उतना ऊपर उठा के रखेंगे, ऐसे नीचे नहीं करेंगे, इतना ऊपर आप ले आएंगे और धीरे धीरे ऐसे खोलेंगे हाथ, पूरा पीछे तक ले जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज में आप क्या देखेंगे, जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो स्क्वीज हो रही है, और जब आप ऐसे कर रहे हैं तो स्ट्रेच हो रही है, पूरे तरीके से स्ट्रेच हो रही है, यहाँ पे आप फील करेंगे यहाँ पे पूरा खिंचाव आपको लगेगा। जब आप ऐसे करें तो स्क्वीज हो रही है और जब आप ऐसे खोल रहे हैं तो स्ट्रेच हो रही है। तो कम से कम 20 रेपिटेशन पहली एक्सरसाइज की आपको करने हैं, मुट्ठी भींच के पूरा अच्छे से पूरा हाथों को मिलाना है और ऐसे खोलना है 20 रेपिटेशन, ये पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, हाथों को ऐसे पकड़ेंगे, मुट्ठी को अच्छे से बंद कर लेंगे और ऐसे। अब आप देखें जब आप ऐसे कर रहे हैं पूरी आपकी ब्रेस्ट स्क्वीज हो रही है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ के मसल्स पे ही इफेक्ट आ रहा है, ऐसे फिर नॉर्मल। यहाँ पे आके आपको मुट्ठी को टाइट बंद कर लेना है, इसके भी 20 रेपिटेशन, ये हो गई आपकी सेकंड एक्सरसाइज। तो तीसरी एक्सरसाइज में कोई भी वेट उठा ले आप अपने हाथ में, कुछ भी वेट हो, बोतल हो तो बोतल में पानी भर सकते हैं। इस तरीके से इस पोजीशन पे रखें, यहाँ पे पकड़ ले आप उस वेट को और ऐसे ऊपर सर से ऊपर ले जाए, फिर यहाँ पे मतलब आपकी चेस्ट से ऊपर रहना चाहिए, वेट जो है आपकी ब्रेस्ट से ऊपर हो, पूरा ऊपर तक ले जाएंगे। इसके आपको 10 रेपिटेशन करने हैं क्योंकि आप थक जाओगे जब वेट लेकर करेंगे, तो पहली बार में 10 और धीरे धीरे करके बढ़ाना है। लास्ट एक्सरसाइज है आपके सेमी पुशअप, और अब ब्रेस्ट साइज को शेप में लाने के लिए पुशअप जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, तो अपनी एक्सरसाइज में पुशअप जरूर शामिल करें। अगर आप फुल पुशअप कर सकते हैं तो वो भी कर लें, और अगर आपको फुल पुशअप नहीं आते तो सेमी पुशअप जरूर करें। देखिए कैसे करना है, कम से कम 10 रेपिटेशन एक बार में और धीरे धीरे करके आप बढ़ाते जाएं। तो फूड पे तो आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, इसके साथ में आप एक्सरसाइज भी पूरा पूरा ध्यान दें, रेगुलर करें और इसके साथ ही लंबे टाइम तक करें। ऐसा नहीं कि 15 दिन में करके आप सोचें कि कुछ नहीं हो रहा है, शायद ये असर नहीं करेगी, असर ज़रूर होगा लेकिन थोड़ा देर में हो सकता है, वो बात अलग है। तो आप रेगुलरली इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो असर ज़रूर होगा। तो इतना ही फ्रेंड्स,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।